हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर फोर ऑफ योर क्लास एट साइंस दैट इज़ मेटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो यहाँ पे से हमने दो टॉपिक को चूज़ किया है सो फर्स्ट क्या है देखो लिस्ट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स का कुछ यूजेस आपको बताना है नॉन मेटल्स क्या है कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम कुछ करेक्टरिस्टिक बताए दैट दे आर नॉट सोनोरस उनसे साउंड नहीं प्रोड्यूस होता दैन दे आर पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सो सोन सी जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा जिस्ट बताया फिर नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल क्या क्या होता है लाइक सल्फर कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फोरस एक्सेट्रा तो अभी हम लोग देखते हैं नॉन मेटल का यूजेस सम कॉमन यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स आर फर्स्ट इज योर ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्या एक नॉन मेटल है यूज इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड नॉन मेटल्स लाइक क्लोरिन कैन बी यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर थर्ड नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन एंड पोटेशियम कैन बी यूज फॉर फर्टिलाइजेशन पर्पज फोर्थ फॉस्फोरस इज यूज टू मेक क्रैकरस एंड फिफ्थ ग्रेफाइड एंड नॉन मेटल इज़ यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो ये सारे क्या है नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल सारे कॉमन एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर गिवन है ऑक्सीजन क्या है ये एक नॉन मेटल है एंड ऑक्सीजन के बिना हम लोग एक मिनट भी नहीं रह सकते हमें कंटिन्यूस ऑक्सीजन चाहिए होता है सो ऑक्सीजन इज द मोस्ट वाइटल टू द ह्यूमन बॉडी वी वुड सर्वाइव फॉर ओनली मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है लाइफ गिविंग है लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट है एंड सो एंड सोन तो ये हमने देखा ऑक्सीजन नेक्स्ट क्या है देखो क्लोरिन सपोज़ आप स्विमिंग पूल पर जा रहे हो वहाँ पर आपको क्या दिखता होगा जो वाटर का कलर है लाइट ब्लूइश कलर का होता है तो वहाँ पे वो लोग क्या यूज़ करते हैं क्लोरीन टैबलेट को यूज़ करते हैं उससे क्या होता है वाटर प्यूरीफाई होता है दैट इज़ इट इज़ यूज फॉर द प्योरीफिकेशन पर्पज़ थर्ड क्या है एग्ज़ाम्पल्स आपका दिया हुआ है लाइक नाइट्रोजन पोटेशियम ये सब क्या है फ़र्टिलाइजेशन परपज़ के लिए यूज़ होता है देन फोर्थ दिवाली क्रैकर्स में क्या यूज़ होता है कौन सा चीज़ होता है फॉस्फोरस देन ग्रेफाइट क्या है फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ तो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में आ चुके राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स सबसे पहले हमने देखा था नॉन मेटल्स का यूजेस अभी हम लोग देखेंगे मेटल्स का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक यहाँ पे आपको पांच पॉइंट गिवन है वन बाई वन लेट्स सी दे आर मेलिबल एंड डक्टाइल दे आर सोनोरस दे हैव ए लस्ट्रेस अपीयरेंस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर हार्ड एंड टफ जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम किसका दिख रहा होगा गोल्ड तो यहाँ पे आपको जितना भी प्रॉपर्टीज बताया गया दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम सारे क्या करेंगे गोल्ड के एग्जाम्पल के थ्रू में समझेंगे वन बाय वन ओके तो इससे क्या होगा आपको आसानी हो जाएगा समझने में सो फर्स्ट पॉइंट आपका जैसे दिया हुआ है दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल सो गोल्ड क्या है गोल्ड सीम्स टू बी द मोस्ट मेलिएबल ऑफ मेटल्स तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा मेलिएबल एंड डक्टाइल मेलिएबल का क्या मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट अलाउ्ज मेटल्स टू बी हैमर्ड इन टू थीन शीट्स हम क्या कर सकते थिन शीट में उनको कन्वर्ट कर सकते उसको बोला जाता है मेलिएबिलिटी पर ये देखो नॉन मेटल में ये वाला प्रॉपर्टी नहीं होता है ये सिर्फ मेटल के कैटेगरी पे होता है तो ये क्या होता है तो हम लोग गोल्ड को आराम से ये कर सकते हैं नेक्स्ट आपका क्या टर्म है देखो डटाइल दैट इज डिलिटी डकटिलिटी का क्या मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट एनेबल्स टू बी ड्रॉन इन टू वायर्स हम लोग वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं उसको बोला जाता है डकटिलिटी तो ये भी हम कर सकते हैं गोल्ड पे नेक्स्ट क्या है देखो दे आर सोनोरस अभी सोनोरस का क्या मतलब हुआ तो सोनोरस क्या है देखो ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जब अगर हमने एक सपोज दो हमने मेटल लिया एक दूसरे के साथ स्ट्राइक किया दैट इज वेन मेटल स्ट्राइक्स ईच अदर और आर स्ट्रक विद ए हार्ड मेटेरियल जैसे अपने हैमर से अगर उसको स्ट्राइक किया दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो जब आप उस पर एक हार्ड मटेरियल से स्ट्राइक करोगे उससे क्या होता है एक रिंगिंग साउंड निकलता है दैट इज नथिंग बट सोनोरस तो आई होप सोनोरस का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा दैट इज रिंगिंग साउंड ओके थर्ड क्या है देखो दे हैव ए लियरेंस सो ये एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स का मेटल्स क्या है दे आर लास्ट्रस विच मीन्स दैट दे हैव ए शाइनी सरफेस गोल्ड पे आप क्या देखोगे उसका सरफेस कैसा होता है शाइनी होता है सरफेस तो इसी को बोला जाता है लस्ट्रस अपियरेंस सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोला है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट इज क्या है उनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होता है दैट इज दे आर द कंडक्टर्स नॉट इंसुलेटर्स ओके एंड लास्ट पॉइंट क्या है? देखो दे आर हार्ड एंड टफ तो मेटल्स का एक और प्रॉपर्टी क्या है दैट दे आर हार्ड एंड टफ तो आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा